तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। MP अजब है, सबसे गजब है। अब एक ऐसी खबर है जी को देख के आप हैरान रह जाओ, काय के मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 जिलों के लाने आवंटित हो गया 2666 मेट्रिक टन यूरिया में से करोड़ों को यूरिया गायब हो गया। दरअसल जबलपुर समेत मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी के लाने यूरिया की एक रेक आई थी और इनमें से केवल 15-25% यूरिया 4 जिलों की सहकारी समितियों में पहुंच पाओ, जबकि सैकड़ों टन यूरिया गायब हो गया। 25 अगस्त को रेक के जरिए जबलपुर में 2667 मेट्रिक टन यूरिया पहुंचे। नियम के तहत सप्लायर को 70% स्टॉक सरकारी आपूर्ति के लाने देने तो और यही के चलते 1853 मेट्रिक टन यूरिया 4 जिलों के लाने आवंटित भाव, लेकिन केवल 10-25% यूरिया पहुंच पाओ जिलों में, बाकी को 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया फिलहाल गायब है। और इस पूरे मामले पे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए हैं। उनने जबलपुर रेंज के कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को सीधे शब्दों में कह दी है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल FIR हो, उनकी गिरफ्तारी हो और पतो लगाओ कि आखिर यूरिया गौ तो गौ के थे। मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूं, ये गड़बड़ कैसे हुई, कहां हुई, किसने की, कौन बताएंगे, कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे? सर, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। अच्छा जी, सर ये जो घटना हुई है सर, ये क्रपको फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये उन 7 कंपनियों में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहन कर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। DPNK फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही एक फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन करता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को, और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना और कितना पहुंचाया जाना। इन्होंने 28 से 31 के बीच में ये परिवहन, ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया, ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? ये बिल्कुल तो फिर कैसे ये घटना है? ये जैसे रिपोर्ट हुई है सर, इनसे कल ही रिपोर्ट उनकी फाइनल हुई है, तो सर आई को कार्रवाई कर लेंगे सर। IG बैठे और SP बैठे, तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन्हें, इस पे काम जैसे चलता होगी। हाँ, इनका धारा कौन कौन सी लगेगी बताओ? इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है, 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर, तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें FIR होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम फिर बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर गया वहां खाद दे दिया, इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान। पिछले साल किसानों को यूरिया और खाद की किल्लत की हद तक भई थी जो को उसे छुपे नहीं आ, और इबेर शुरुआत में यूरिया के वितरण में इतना बड़ा खेल हो गया जो बेहद चौंकावे वालों भी है और चिंतनीय भी। प्रवेश प्रारंभ, नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।